दिस मैट्रिक्स इज अ रियल ऑर्थोग्नल मैट्रिक्स अगर ये matrix, करो मैं इसको कर देता तो येग्नल है और हमें वैल्यू बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अगर ये ऑर्थोगनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है अगर हम उसका यूज करें तो ऑर्थोगनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज यह ऑर्थोगनल की डेफिनेशन होती है तो अगर हम इसको ए बी सी का अगर किसी तरह से वैल्यू निकाल पाए तो फिर ए स्क्वेयर बी स्क्वायर और सी स्क्वेयर करके हम जो आस्क किया गया है हमसे उसका वैल्यू हम बता सकते हैं तो हम इस फैक्ट को यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी अनोन है तो मैं मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इस फैक्ट को यूज करता हूं तो यहां से मुझको क्या मिलता है uh, तो मैट्रिक्स ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज को मैं लिख लेता हूं क्योंकि ये तो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ही तो रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पर सी दूसरा जो मेरा कॉलम बनेगा टू अपॉन थ्री रोट फाइव अपॉन थ्री और ये डी हो जाएगा और जो मेरा थर्ड कॉलम बनेगा वो ए बी वन अब इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम ये मुझे क्या देगा एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज वन 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 और अदर प्लेसेस आपके जीरो होंगे तो मैं इसका फर्स्ट कॉलम ले रहा हूं तो और सॉरी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम तो यहां पर ये क्या मिलेगा रूट फाइव रू, रूट फाइव यानी कि फाइव और थ्री थ्री नाइन माइनस माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस ये टू टू फोर अपॉन नाइन और ये हो जाएगा प्लस अब इस फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लास्ट तो में यहां पर सी है और यहाँ पर ये यह डी है तो मुझको प्रोडक्ट मिलेगा तो एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट की तो जरूरत नहीं है जो यहां पर आएगा Uh, मुझे तो जरूरत है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर जैसे यहां पर सी स्क्वेयर आ गया है तो बस जो अदर प्लेस होगा ऐसे ही वो यहां पर मुझको क्या देगा जब मैं इसको इसके साथ कराऊंगा तो सी देगा मुझे जबकि मुझे सी नहीं सी स्क्वेयर चाहिए तो वो यहां से मिल गया ऐसे ही मैं सेकेंड रो और इसको कराऊंगा तो यहाँ पर सी डी आ जाएगा जो मुझको नहीं चाहिए uh, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कराऊंगा तो मुझको ये डी स्क्वेयर यहां पर मिल जाएगा तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो फोर अपॉन नाइन फोर अपॉन नाइन प्लस फाइव अपॉन नाइन प्लस डी स्क्वेयर ऐसे ही जो थर्ड एंट्री आएगी वो मुझको नहीं चाहिए और ऐसे ही आपका जो यहां पर आएगा लास्ट में फोर अपॉन नाइन प्लस फाइव नाइन प्लस ये रहा आपका थर्ड रो और यहाँ पर आएगा ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर और प्लस वन ए स्क्वेर प्लस बी स्क्र प्लस वन तो लास्ट की जो एंट्री आएगी यहाँ पर ये ना के ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस वन इस तरह से जो ये मैट्रिक्स आया आ, जो हमें मिलता है वो किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये फर्स्ट फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से हम इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं तो ये जो वैल्यू होगी इक्वल टू वन हो जाएगी ऐसे ये वैल्यू इक्वल टू वन और ये जो वैल्यू है वो भी इक्वल टू वन हो जाएगी तो ये लाइक फ्रैक्शन like है दोनों तो फाइव और फोर नाइन नाइन अपॉन नाइन यहां पर वन आ जाएगा वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी स्क्वेयर इक्वल टू आपका जीरो आ गया ऐसे यहाँ से भी यह लाइक फ्रेक्शन है यहाँ से वन आएगा वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा तो डे इक्वल यहाँ से जीरो आ गया और ऐसे ये वन हो जाएगा और यहाँ पर ये यह आप आपको जो मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस वन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस वन इक्वल टू वन तो वन से वन कैंसल आउट हो जाएगा तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू क्या आ गया जीरो तो हमें जो चाहिए था वो हमें जो रिजल्ट में चाहिए था ए स्क्र प्लस बी इसका वैल्यू जीरो तो तो हम इसको यूज कर रहे थे और अभी आपने ये भी देखा है कि जो मैट्रिक्स है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि अगर कोई ऑर्थोगनल मैट्रिक्स है तो यहां से हमें यह भी पता चल जाता है कि आ, उसका जो फर्स्ट को फर्स्ट Uh, जब ट्रांसपोज लेते हैं यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो वो जो रिजल्ट देता है वन देता है एक्चुअली uh, यहां पर जो फैक्ट मैं यूज करने जा रहा हूं इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको करने जा रहा हूं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वन देता है यानी कि रो uh, और या कॉलम वो आपके यूनिट मैग्नीट्यूड होते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड तो इसका जो होता है कि यूनिट uh, मैग्नीट्यूड uh, होता है तो अगर मैं इस फैक्ट को यूज कर लेता हूं तो यहां पर आप देखेंगे लास्ट uh, रो क्योंकि मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी कि आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ये दो पॉइंट्स याद रखें कि रो या कॉलम्स को एनी एनी टू रोज या कॉलम को मल्टीप्लाई सॉरी एनी टू रोज और कॉलम को अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और हरेक रो यानि कि ईच रो या कॉलम वो यूनिट स्केल स्केल होते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड uh, आप कह सकते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उनका तो यहां पर आपको ये पता चला तो अगर यूनिट स्केल होते हैं तो यहाँ से मुझको क्या मिलेगा लास्ट रो से ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस वन इक्वल टू वन तो यहां से डायरेक्ट मिल जाता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू जीरो और ऐसे ही अगर मैं इस कॉलम को ले लेता हूँ लास्ट वाले को तो सी स्क्र प्लस डी स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू वन ऐसे ये मिल जाता है तो सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाता है इसका फाइनल वैल्यू जीरो तो हमें ये जो डेफिनेशन से मैंने बताया उसका भी यूज करने की जरूरत नहीं है और अगर आप इनको देखें यहां से भी कर सकते हैं कि इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए यानी को यानी कि तो वो क्या होगा यहां से सी स्क्वेयर का वैल्यू आ जाएगा तो सी स्क्वेयर और यहां से आपका डी स्क्वेयर का वैल्यू आ जाएगा यहां से आप थर्ड देख लीजिए उस तरह से भी आप कर सकते हैं अलग अलग रो वाइज वैसे सबसे अच्छा यही है कि लास्ट रो ले लीजिए और लास्ट कॉलम और वहां से आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर के वैल्यू मिल रहे हैं और फाइनली एडअप्ट कर दीजिए उनको